बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर वन का इंट्रोडक्शन किया था। उसमें हमने ये पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, थर्मो रेगुलेशन क्या होती है और एक्सक्रीशन क्या होती है। अब इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? ये है हमारे पास मेंटेन बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट कॉन्टेंट ऑफ द सेल और बॉडी। बॉडी या सेल के वाटर और सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब साल्ट वगैरह या सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रहे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन यानी हर चीज मेंटेन रहे, यानी सेल के अंदर ज्यादा पानी आए भी नहीं और ज्यादा बाहर भी ना निकले, मेंटेन रहे, तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, यानी सेल की जो ऑस्मोसिटी या हम कह सकते हैं पानी की जो मिकदार है या साल्ट की मिकदार है वो मेंटेन रहे, उसे हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन लव जो है वो ऑस्मोसिस से निकला है। और ऑस्मोसिस क्या है? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एक ऐसी जो है वो डिफ्यूजन है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, जहां पर वो ज्यादा हो वहां से वो मूव करते हैं ऐसी जगह पर जहां पर वो कम हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ये भी हो सकता है। लेकिन आप सिंपल ये समझें कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो चीज़ों को हाफ पास होने दे हाफ ना होने दे, ऐसी मेम्ब्रेन बीच में मौजूद हो, ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यानी वाटर की जो मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर या सेलों के अंदर वो होती है ऑस्मोसिस के जरिए से। अच्छा, अब जो है हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ये देखें नेक्स्ट तस्वीर में हमारे पास बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। एक साइड पे हमारे पास डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन है और दूसरे साइड पर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर शुगर की मिकदार ज़्यादा है और राइट साइड पर हमारे पास जो है डाइल्यूटेड शुगर है, यानी वाटर की मिकदार राइट साइड पर ज़्यादा है और लेफ्ट साइड पर वाटर की मिकदार कम है। हाँ, लेफ्ट साइड पर शुगर की मिकदार ज़्यादा है। तो याद रखना, जहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा तो वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, यानी वाटर पोटेंशियल यहां पर ज्यादा होगा, यानी राइट साइड पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो वाटर मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। आप देख रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं किस तरफ? राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये मूवमेंट, हालांकि एक साइड पे साइड ज्यादा है लेकिन वहां पर वाटर कम है, आप देख रहे हैं सिर्फ वाटर की मूवमेंट को, और बीच में क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो शुगर के सॉल्यूशन को राइट साइड पर जाने से रोक रही है। तो ये दरअसल ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब यहां पर एक दो टर्म्स हैं जो मैं आपको जो है वो यहां पर क्लियर करता चलूं कि यहां पर मैंने बात की वाटर पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर अपनी स्टोर्ड एनर्जी होती है जिसे आप कहते हो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर पोटेंशियल प्लांट्स के अंदर हम उसको वाटर पोटेंशियल कहते हैं, एनिमल्स के अंदर हम जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अगर तो मतलब अगर सॉल्यूट की अगर वाटर पोटेंशियल देखे जाए तो वो कहलाती है सॉल्यूट पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल क्या है? स्टोर्ड एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। पानी जहां पर, अच्छा एक और बात मेन ये है कि भाई प्योर वाटर जिसमें कोई साल्ट या कोई भी चीज नहीं है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट नहीं है, तो वहां पर वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ठीक है, प्योर वाटर जिसमें कुछ भी नहीं है तो वहां पर जीरो होगी। अगर उसके अंदर साल्ट या सॉल्यूट इंटर करते जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी, यानी हमारे पास नेगेटिव -1, -2, -3 जितना साल्ट डालते जाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। लेकिन प्योर वाटर की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक है,
अब वाटर पोटेंशियल जो है वो हमें जो है वो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि ऑस्मोसिस किस तरफ होती है। अच्छा, वाटर पोटेंशियल आपको समझ में आ गया, इसको हम जो है वो साई से शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्योर वाटर साई इज इक्वल टू जीरो, ठीक। लेकिन जैसे ही नमक या दूसरी चीजें डालते जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर, प्योर वाटर के अंदर, तो वैल्यू नेगेटिव में चलती जाएगी। अच्छा, अब जो है हमारे पास ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन तीन टाइप के हैं। एक है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है जिसमें दोनों चीजें, मतलब सेल के अंदर और बाहर, ठीक है, सेल के अंदर या बाहर वाटर और साल्ट की मिकदार मतलब इक्विलिब्रियम में हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन सेम, ठीक है। अब एक तस्वीर दिखाई गई है कि भाई सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या है, बराबर है, तो हम कहेंगे आइसोटोनिक। लेकिन दूसरे साइड बीच में जो है वो हमारे पास है हाइपरटोनिक। हाइपर मीन ज्यादा। अगर देखें यहां पर क्या होगा कि हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी, यानी साल्ट वगैरह ज्यादा होगा, पानी कम होगा, ठीक है। साल्ट ज्यादा है और पानी कम है, तो मतलब पानी की वाटर पोटेंशियल कम होती जा रही है, ठीक है। अब लास्ट वन है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि सॉल्यूट्स बहुत ही कम हैं और पानी ज्यादा है, तो मतलब वाटर पोटेंशियल हाइपोटोनिक में ज्यादा है, हाइपरटोनिक में जो है वो कम है, और आइसोटोनिक में बराबर है, ठीक है। अच्छा, एक अब ये तीनों सॉल्यूशन थे कि भी तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हाइपरटोनिक जिसमें मोर साल्ट होगा, हाइपोटोनिक जिसमें साल्ट की मिकदार कम होगी या सॉल्यूट की मिकदार कम होगी, और आइसोटोनिक वो है जिसमें साल्ट की मिकदार और सॉल्वेंट की मिकदार बराबर होगी। इस लास्ट फिगर में जो है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये क्यों जरूरी है, यानी हमारी बॉडी के लिए आइसोटोनिक या सेल के एनवायरनमेंट के लिए मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्यों जरूरी है। अब सबसे पहले देखें हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, अब ये तस्वीर जो है ऊपर एनिमल सेल यानी ब्लड सेल दिखाया गया है, नीचे प्लांट सेल दिखाया गया है। अब ऊपर जो एनिमल सेल है उसके हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी जहां पर ये ब्लड सेल्स रखे गए हैं वहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक क्या होता है, जिसमें साल्ट ज्यादा हो, यानी बाहर साल्ट ज्यादा है, सेल के अंदर साल्ट की मिकदार कम है। साल्ट की मिकदार अंदर कम है तो मतलब अंदर वाटर ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल अंदर ज्यादा है, क्योंकि बाहर साल्ट ज्यादा है तो अंदर सेल के अंदर जो है वो वाटर ज्यादा है, तो वाटर मूव करेगा अंदर से, सेल के अंदर से मूव करेगा बाहर की तरफ, तो नतीजे के तौर पर सेल क्या हो रहा है, सेल हमारे पास एनिमल सेल जो है वो श्रिंक हो रहा है, सूख रहा है या प्लाज्मोलाइज्ड हो रहा है, यानी सेल का सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म वगैरह सारा बाहर निकल रहा है। यही सिचुएशन प्लांट सेल के साथ भी है कि वाटर उसमें से निकल गया क्योंकि वो हाइपरटोनिक में है। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे प्लांट सेल को भी और एनिमल सेल को भी, जो बीच वाली तस्वीर है उसमें देखें कि एनिमल सेल के अंदर अगर वाटर की मिकदार बराबर है, यानी जितना साल्ट और वाटर की मिकदार बराबर है अंदर भी और बाहर भी, तो जितना पानी अंदर आएगा उतना पानी बाहर जाएगा, तो सेल को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। तो सेल हमारे पास जो है वो, यानी जिस कंडीशन में ये हमारे पास जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे पास ये सेल जो है वो फ्लैसिड हो रहा है, प्लांट का सेल, ठीक है। लेकिन अगर यही सिचुएशन हमारे पास अगर हाइपोटोनिक में होगी तो क्या होगा, हद से ज्यादा पानी सेल के अंदर आ गया, प्लांट जो है वो ब्लड सेल्स के अंदर, नतीजे के तौर पर सेल जो है वो बस्ट हो गया। और एनिमल्स प्लांट सेल के अंदर बात करेंगे तो प्लांट सेल जो है वो फुली टर्जिड हो गया, ठीक है। टर्जिड मतलब फुली फूल गया, फ्लैसिड मतलब वो जो है वो ढीला ढाला है अभी भी, क्योंकि अभी भी उसके अंदर जो है वो वाटर और साल्ट की मिकदार हमारे पास जो है वो बराबर है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, टर्जिड फुली फूला हुआ सेल है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के जो सेल हैं, जितने भी जानदारों की बॉडी के सेल हैं, उनको लाजमी तौर पे आइसोटोनिक वाला एनवायरनमेंट चाहिए, वरना सेल जो है वो सेल से पानी या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा। अगर पानी बाहर निकल गया तो एनिमल सेल सिकुड़ जाएगा, अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा आएगा
तो वो बस्ट हो जाएगा। लेकिन प्लांट सेल बस्ट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है जो उसको बस्ट होने से बचाती है, यानी एनिमल सेल को ज्यादा यानी ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत है ताकि उसकी वाटर और साल्ट की मिकदार मेंटेन रहे, ताकि उसके सेल सरवाइव कर सकें। तो ये कुछ टर्म्स थे जो आज के लिए हैं। इंशाल्लाह फिर आगे अगली क्लास में हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप इसको स्टडी करें। अल्लाह हाफिज़।